नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल मिस्टर में। गाइस, आज बात करने वाला हूं एक ऐसे स्टॉक के ऊपर जो पिछले केवल 5 दिनों में दोस्तों अगर आप देखेंगे 22% से ज्यादा भाग चुका है दोस्तों, ठीक है। और अभी जो न्यूज निकल के आ रही है, कंपनी ने एक बहुत अपने सब्सिडरी के थ्रू आप कह सकते हैं एक बहुत ही शानदार एक्विजिशन किया है। क्या है वो एक्विजिशन, उसकी पूरी डिटेल, उसका असर इसके स्टॉक प्राइस में और फ्यूचर में ये एक्विजिशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इन तमाम चीजों में चर्चा करेंगे दोस्तों। वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत ज्यादा एजुकेटिव वीडियो होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज चैनल का जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दें, ताकि ऐसे ही स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज और स्टॉक अपडेट आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगती हो लाइक करके औरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग सीधा लेके चलता हूं मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, JSW एनर्जी लिमिटेड, ठीक है, और आज ट्रेडिंग सेशन में देखिए ये तो 1.76% की आपको तेजी दिखा रहा है दोस्तों, ठीक है। और अब बात करूं पिछले 5 दिनों में, तो आप देखिए स्टॉक आप कह सकते हैं लगभग 23%, जी हाँ दोस्तों, 5 दिनों में स्टॉक 23% की दोस्तों तेजी दिखा चुका है। और ये आप कह सकते हैं एक बहुत ही ज्यादा शानदार और बहुत ही जबरदस्त तेजी होती है दोस्तों, ठीक है। और अब जो न्यूज निकल के आई है, जो कंपनी है दोस्तों, एक आप कह सकते हैं बहुत ही शानदार एक स्ट्रेटजिक एक्विजिशन करने जा रही है दोस्तों, तो ठीक है। तो पहले मैं आपको दिखाऊं ये जो तेजी है दोस्तों JSW एनर्जी में, ये काफी शानदार रही। पिछले एक साल में अगर मैं आपको दिखाऊं, स्टॉक निचले स्तरों से आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 62%, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ लगभग 2 महीने से भी कम के समय में ये स्टॉक आप कह सकते हैं 62% की एक शानदार तेजी दिखा चुका है। और मुझे लगता है कि ये जो स्टॉक में जो मैं आपको न्यूज दिखाऊंगा, इसके बाद ये तेजी आने वाले समय में और भी तेज होते हुए दिखाई देगी दोस्तों। कैसे, क्या है न्यूज, तो आप देखें, JSW न्यू टू एक्वायर 1.7 GW रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो फ्रॉम माइत्रा एनर्जी फॉर ₹10,530 करोड़। रिन्यूएबल एनर्जी में अपने आप को स्थापित करने के लिए एक और शानदार आप कह सकते हैं एक्विजिशन है ये JSW न्यू, जो कि JSW की एनर्जी की एक सब्सिडरी है, होली ओन सब्सिडरी है, वो 1.7 GW का रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो माइत्रा एनर्जी से खरीदने वाली है, ठीक है। आगे देखिए, The completion of the deal is expected by November 15 तक हो जाएगा, subject to approval by Competition Commission of India CCI and other customary approval, including of lenders, ठीक है। ये जो acquisition दोस्तों, ये November 15 तक हो जाएगी, हाँ, CCI जो Competition Commission of India है उसके, और जो other के लिए जो approval लगते हैं, formality लगती है वो, और जो कह लीजिए लेनदार है lenders, उसके बाद approval के बाद, ठीक है। अब चलते हैं, क्या है इस डिटेल, इसके लिए इस खरीदारी के पीछे का रीजन क्या है और उसे कहां फायदा होगा कंपनी को, तो देखें, JSW न्यू एनर्जी और होली ओन सब्सिडरी ऑफ JSW एनर्जी इज सेट टू एक्वायर अ पोर्टफोलियो ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम माइत्रा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड फॉर 10,530 करोड़, ठीक है, 10,530 करोड़ की ये टोटल डील होगी दोस्तों। और द 1,753 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी पोर्टफोलियो कंप्राइजेस 17 SPVs एंड 1 एंसिलरी सोलर पावर मोड, ठीक है। देखिए, बोथ द पार्टी हैव साइंड डेफिनेट एग्रीमेंट, द कंप्लीशन डेट इज एक्सपेक्टेड बाय November 15, ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं, इस डील की डिटेल क्या है दोस्तों, देखिए, The acquired portfolio of Mitra consists of 10 wind SPVs with a generation capacity of 1,331 megawatt and 7 solar SPVs with a generation capacity of 422 SPVs. देखिए, जो ये पूरी पूरी आप कह सकते हैं जो डील है, ये अगर मैं बात करूं तो इसमें आप पाएंगे कि ये जो एक्वायर्ड मित्रा एनर्जी का जो दोस्तों आप कह सकते हैं जो मित्रा एनर्जी का जो टोटल एनर्जी है, उसमें ये है कि भाई सब ये प्रोक्योरमेंट में ना मित्रा 10 SPV देगा, SPVs दोस्तों मतलब स्पेशल पर्पस व्हीकल, ठीक है, 10 SPVs देगा विद जनरेशन कैपेसिटी ऑफ
1331 मेगावाट और 7 सोलर एसपीवीज देगा विद अ जनरेशन कैपेसिटी ऑफ 422 मेगावाट। नाउ दिस एसपीज प्राइमरी ऑपरेट इन द सदर्न वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी एक वेल डाइवर्सिफाइड जियोग्राफिकल इनकी पोजीशनिंग है। आप देखें तो ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल्स हैं ये सदर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया और सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में काम करते हैं। The assets have a proven operational track record and a long-term PPA with an average remaining life of approximately 18 years. ठीक है, और कंपनी ने अपनी जो बात कही उसमें कहा है कि ये जो टोटल 200 SPVs इन्हें मिली हैं, ये अगर बात करें तो लगभग इनका जो अभी भी एवरेज लाइफ है मोर देन 18% है, या कम से कम 18% तो रहेगा ही, 18 साल तो रहेगा ही। ठीक है, और इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है ये लॉन्ग टर्म पीपीए के थ्रू भी है। नाउ JSW एनर्जी विद इज लार्जेस्ट एक्विजिशन टिल डेट, ये अब तक की सबसे बड़ी एक्विजिशन है JSW एनर्जी, क्योंकि देखिए आने वाले समय में जो ग्रीन एनर्जी है और जो क्लीन एनर्जी है, ये एनर्जी कंपनीज को या तो कह ले सकते हैं हम इनऑर्गेनिक एक्विजिशन के थ्रू या अन्य चीज़ों के थ्रू एक्वायर करनी ही पड़ेंगी, और इसी का कदम है कि JSW एनर्जी अब तक का सबसे बड़ा एक्विजिशन अपना कर रही है और विल एक्सपैंड इट्स करंट ऑपरेशनल जनरेशन कैपेसिटी बाय ओवर 35%। अब आप समझिए कि इतना बड़ा एक्विजिशन ये है कि इस एक्विजिशन के बाद जो इनकी जनरेशन कैपेसिटी है, ऑपरेशनल जनरेशन कैपेसिटी है JSW एनर्जी की, ये 35% बढ़ जाएगी फ्रॉम 4,784 मेगावाट टू 6,537 मेगावाट। कंपनी ऑलरेडी है, कंपनी के पास अभी से ही दोस्तों 2500 मेगावाट अंडर कंस्ट्रक्शन विंड और हाइड्रो प्रोजेक्ट है जो कि लाइकली टू बी कमीशन फेज 3 इन द 18 to 24 मंथ्स। और अभी इनके पास दोस्तों आप कहेंगे अंडर कंस्ट्रक्शन लगभग 2500 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले 18 से 24 महीने यानी लगभग 2 साल से अंदर ये सभी चीजें दोस्तों अपने आप कमीशन हो जाएंगी। और देखिए JSW एनर्जी बिल्कुल भी आप कह सकते हैं इसको लाइटली नहीं ले रही ग्रीन एनर्जी को, जिस तरह से रिलायंस और अन्य कह लीजिए अडानी अपनी तैयारी कर रहे हैं, JSW भी अपने आप को पीछे नहीं देखने वाला और अब तक का अपना सबसे बड़ा एक्विजिशन इन्होंने किया है दोस्तों। ठीक है, आगे चलिए तो आप पाएंगे विद दिस JSW एनर्जीज प्लेटफॉर्म कैपेसिटी विल इंक्रीज 9.1 गीगावाट वाइल द शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी विल इंक्रीज टू 65%। और इस एक्विजिशन के साथ ही जो रिन्यूएबल एनर्जी की इनकी जो कह लीजिए अब रिन्यूएबल एनर्जी में जो इनकी इंक्रीज है दोस्तों, ये लगभग जो शेयर है रिन्यूएबल एनर्जी में पार्टिसिपेशन वो 65% रहेगा। दिस विल एडिशनली हेल्प द कंपनी इन अचीविंग इट्स रिन्यूएबल लेट कैपेसिटी ग्रोथ टारगेट ऑफ 10 गीगावाट बाय फाइनेंशियल 25 बिफोर इट्स एक्सपेक्टेड टाइम। अब आप समझिए कंपनी ने एक टारगेट दिया था कि भाई 2025 तक हम 10 गीगावाट का जो है जनरेशन पावर जनरेशन ये रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू करेंगे और इस एक्विजिशन के बाद 9.1 गीगावाट पहुंच जाएंगे, जिसके कारण आप कह सकते हैं जो इनका टारगेट है 2025 से पहले पूरा हो जाएगा। आगे देखिए जो प्रशांत जैन साहब हैं जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर CEO ऑफ JSW एनर्जी, वो कहते हैं We are excited to acquire Mytrah's 1.75 gigawatt of renewable energy portfolio, which is value accretive to our shareholder on day one. This landmark deal demonstrates our strong commitment to achieve our vision of achieving 10 gigawatt capacity 25. तो देखिए यही कह रहे हैं भाई जो हम acquire करें ना Mytrah Energy को, उसके बाद से जो 1.75 gigawatt की energy production की capacity हमारे पास आएगी, इससे ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा लैंडमार्क आप कह सकते लैंडमार्क डील है, जिसके कारण जो हमारी कमिटमेंट है 10 गीगावाट की बाय 2025 ये काफी हद तक पूरी होंगी। और एब बीइंग अ लीडिंग प्लेयर इंडिया एनर्जी ट्रांजेक्शन दिस एक्विजिशन फर्दर स्ट्रेंथन एंड डाइवर्सिफाई अवर ऑपरेटिंग फुटप्रिंट अक्रॉस वेरियस रिसोर्स इन रिच स्टेट्स। JSW एनर्जी विल कंटिन्यू टू लुक मोर सच अपॉर्चुनिटीज टू वैल्यू एसर्टिव एक्विजिशन टू एड इट्स ऑलरेडी एम्बिशियस ग्रोथ प्लान ऑफ द फॉर दिस सेक्टर। और देखिए इन्हें ये कदम उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अगर जल्दी जल्दी कदम नहीं उठाएंगे तो आपको पता होगा अडानी और अंबानी जी ने क्या कहा है ग्रीन एनर्जी को लेकर, जो कितना ज्यादा एग्रेसिव होने वाले हैं। और ऐसे में JSW द्वारा ये जो एक्वायर किया गया है और जो अब तक की सबसे बड़ी डील इन्होंने की है, ये इनके लिए बहुत बहुत पॉजिटिव होगा। ठीक है, द कंपनी एम्स टू रिड्यूस 50% ऑफ इट्स कार्बन फुटप्रिंट बाई 2030। और देखिए कंपनी का ये कह लीजिए लक्ष्य है कि 2030 तक हम 50% जो कार्बन फुटप्रिंट है उसे कम करेंगे।
और जिस तरह से ये मेहनत कर रहे हैं, मुझे लगता है एक हफ्ते तक चीजें ठीक हो जाएंगी। एंड अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाई 2050 और 2050 तक कार्बन न्यूट्रल ये कंपनी हो जाएगी, जो कि मेरे से बहुत एग्रेसिव स्टेप है। नाउ JSW एनर्जी एम्स टू रीच 20 गीगावाट कैपेसिटी बाय 2030 विद द शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंक्रीजिंग टू 85%। और JSW एनर्जी का ये मानना है कि भाई 2030 तक 20 गीगावाट कैपेसिटी हम करेंगे ग्रीन एनर्जी के थ्रू और हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी में शेयर होगा 85% होगा। यानी कि JSW एनर्जी अगर आपके पास स्टॉक है तो आप एक बहुत शानदार, एक बहुत ही कह लीजिए विजनरी कंपनी में शेयर होल्डर हैं। और मानता हूँ कि स्टॉक भाग गया है और अगर बाजार में गिरावट होती तो ये भी गिरावट होगा, लेकिन वो सिर्फ एक एक्वायर करने का समय होगा कि स्टॉक बहुत बहुत शानदार मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। और इस एक्विजिशन के बाद तो मुझे लगता है ये स्टॉक काफी मजबूत हो चला है अपने रिन्यूएबल एनर्जी में। तो यदि आपको ये न्यूज अच्छी लगती हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।